हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आम जो स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट टू पढ़ुं, आज ये तरह सेकंड पार्ट है, तो चलो स्टार्ट करवा। जब फर्स्ट पार्ट आप देखी ना, तो केमिस्ट्री ऑफ प्ले लिस्ट को विजिट करके आपू देखिपर आउ। हाँ, आम आप पेड ग्रुप आम टेलीग्राम जॉइन करने चाहते, आप नोट करूँ तो ठीक अच्छे, ना फिर भी जब केमिस्ट्री कि फिजिक्स मैथ एसबूर आप नोट्स आपरे ना, एग्जाम पाखे आसे, तो आप चाहते क्विकली रिविजन आप चाहिए भी आम पेड टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो पारे। तो आप देखिपे स्क्रीन उपर, तो ऑलरेडी 270 प्लस मेंबर जॉइन हेले, आपड़ी चाहिए तो मत निहते मेसेज करेंगे, मे भी मो नंबर समस्त पर ना टेलीग्राम ना कमेंट बॉक्स में मत मेसेज करेंगे, तो मुझे कहबी से कमी जॉइन हे, ना तो वीडियो मुझे सेपरेट बनई एसएसबी टीजी नोट टीजी नोट्स कमी पाए, तो से भी जाइए आप देखिपर है। तो चलो तो स्टार्ट करवा पार्ट टू, आप हेडिंग कर दिंतु। फास्ट आम पढ़ा कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन है पार्ट वन। जब देखी ना भलसे देखी भलसे पढ़ाई पूरा देखीदेवे जाए प्ले लिस्ट को विजिट करी। वर्तमान में देखिए कौन कंबाइंड गैस इक्वेशन है, तो ये आप नोट करूँ, मुझे जहाँ लिखी आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। तो डेफिनेशन लिखु, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इफ टेम्परेचर कमा प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम टेम्परेचर टा T1 कमा प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, फ्रॉम T1 P1 एंड V1 टू T2 P2 एंड V2 हेला एंड V2 अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो आम ये पढ़ी कौन आइडियल गैस इक्वेशन ने जे पीवी इक्वल टू एनआरटी, कौन पीवी इक्वल टू एनआरटी हेला। तो यहाँ मुझे लिखिपर जे पीवी बाय टी इक्वल टू एनआर है कि नहीं, दैट इम्प्लाइज एटा टी नो एटा भी, पीवी बाय टी इक्वल टू एनआर, दैट इम्प्लाइज पीवी बाय टी इक्वल टू के कन्स्टांट लिखिपर, कारण आर टा गोटे कन्स्टांट वैल्यू मुझे पढ़ाई से आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एनआर जो आर टा कन्स्टांट आठ लिखाई जे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, तो मैंने ये नंबर ऑफ मोल्स कौन अच्छे फिक्स अच्छी, तेल भारियेबुल के अच्छे पीवी टी मानने प्रेसर वॉल्यूम टेम्परेचर। देखना ये कहुई इफ टेम्परेचर प्रेसर एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रम यहाँ चेंज होटा मुझे लिखिपर पीवी बाय टी इक्वल टू के कन्स्टांट, तेल जो भी मुझे लिखिपरि तेल फर्मुला ये कौन डिराइव हो आस P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 P2 V2 by T2 हैला, एटा हमरो कौन अपन नोट करिए, एटा हला हमरो कंबाइंड गैस इक्वेशन रो फॉर्मूला न्यूमेरिकल ले एटा ही हमरो यूज आसीबो, बुझिपारले कि नाही हैला। तले कंबाइंड गैस इक्वेशन कौन कहूँ, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम चेंज होटू T1 P1 V1 T2 P2 V2 को चेंज होदि चेंज होकर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आम पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ी से पीवी बाय टी करदे ये आर तो कन्स्टांट आम आरंभ जानते एन बी ए टी फिक्सड अच्छी, तेल बर्तमान या कौन करदे आप गोटे कन्स्टांट यूज कले के है पीवी बाय टी को आम ये फर्मूला आकार यू लिखिले P1 V1 बाय T1 P2 V2 बाय T2 है। फर्मूला गुटा आप मस्ट मन रखिए कारण ये हम न्यूमेरिकल यार हम एवं गोटे क्वेश्चन मुझे करके देखिए आपड़ा नोट कर दिंतु, तेल आम न्यूमेरिकलटा करवा देख से कहे आट 0°C एंड 180 प्रेसर ए गैस अकुपाइज 100 cc, इफ प्रेसर इज इनक्रीजेस टू 1.5 टाइम एंड टेम्परेचर इज इनक्रीज बाय 1/3 अफ आब्सल्यूट टेम्परेचर देन फाइंड फाइनाल वॉल्यूम
हेला तो क्वेश्चन ने केवल जहाँ जहाँ गिवेन देखिए लिखा डायरेक्ट फर्मुला पुट करदे आम आंसर हो कि ये गोटे जिनस मार्क करवा जो लिखाई देखिपे प्रेसर इज इनक्रीज टू तापर लिखाई टेम्परेचर इज इनक्रीज बाय तो इनक्रीज टू इनक्रीज बाय कौन डिफरेन्स रही आपको फर्स्ट क्लास न्यूमेरिकल कला बेल करी तो ये आउ थे से जिन कहीदे तो फास्ट देख कौन कौन गिवेन अच्छे लिखा से कहे आट जीरो डिग्री सेलसीयस तले जो टेम्परेचर आम अच्छे टी वन से कैसे अच्छे जीरो डिग्री सेलसीयस आपको जब मुझे पढ़ी जी आम कौन करवा केल्विन को कन्वर्ट करा तो केल्विन ने कन्वर्ट कले आम कौन करती 273 आड करती तेल आमर के 273 केल्विन तापर नेक्स्ट से कौच एंड 1 atm प्रेसर पी ओन के 1 atm ए गैस अकुपाइज 100 cc क्यूबिक सेंटीमीटर मैंने कौन से वॉल्यूमटा भि ओन के 100 cc इफ प्रेसर इज इनक्रीजेस टू 1.5 टाइम देख सी कौच कौन तुम्हार जो प्रेसरटा कौन है इनक्रीज हो गला मानने पी टू प्रेसर इनक्रीज टू 1.5 times 1.5 times 1.5 times इनक्रीज हो इनक्रीज हो गला मैंने क्या कंपेरिजन इनक्रीज हो पी ओन एतिक अच्छी या कंपेरिजन इनक्रीज होती इंटु पी ओन मुझेपरि तेल जोटा मुझे लिखी 2 × 1 = 3/2 पी ओन ये लिखे है नेक्स्ट कौच एंड टेम्परेचर इज इनक्रीज बाय टेम्परेचर जो टी टू रहा इनक्रीज बाय मैंने से तुम आड हम मैंने फास्ट एतिकीत अधिक होगा इनक्रीज बाय 1/3 ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर तेल फास्ट टेम्परेचर आम अच्छी के फास्ट आम टेम्परेचर धर टी ओन थी मुझा भैल्यूटा पुट करूनी कारण आम सल्व कले आज देखिए एक कटिकुटा जी है टेम्परेचर टी ओन थी सी बर्तमान कौन कहे टेम्परेचर इनक्रीज बाय 1/3 इनक्रीज बाय 1/3 तो मैंने आगु टी ओन थी बर्तमान से जो टी ओन 1/3 इनक्रीज हो गला आगुरु एतिकी थिला बर्तमान पुणी तार 1/3 इनक्रीज हैला सेटा मुझे लिखी ना नहीं तल जोटा को मुझे लिखिपरि एलसीएम जब 3 हम ये जो 3T1 प्लस टी ओन के 4T1/3 ना हैला पचार कौन देन फाइंड वॉल्यूम इन सीसी मतलब पचार दे कौन भि टू वॉल्यूमटा मत पचार हेला वॉल्यूम मत पचार फॉर्मूला जानते पुट करदे पी ओन भि ओन बै टी ओन पी टू भि टू बै टी टू पी ओन के देख पी ओनटा 1 atm दे पी ओन वैल्यू पुट करूनि 1 atm कारण आम कटिकुटा जी मुझे खाली पी ओन जगह से पी ओन ही रखुची है इन टू भि ओन के 100 बै टेम्परेचर के टी ओन या कोई रखि तापर नेक्स्ट इक्वल टू पी टू के 3/2 पी ओन इंटु भि टू आमको बाहरी कर पड़ो बै टी टू टी टू के 4T1/3 4T1/3 ये कि नहीं देख कटिज पी ओन को पी ओन कटला ये टी ओन को टी ओन कटिगला तेल वर्तमान रहा कौन देख ये रहा के 100 रहा इक्वल टू ये के 3/2 इंटु कौन अच्छी भि टू अच्छी तले अच्छी कौन एत 4/3 अच्छी ऊपर को उल्टी गले के 3/4 होगा दैट इम्प्लाइज तप सैड कर 100 इक्वल टू ये 3 × 9/4 = 8 इंटु के भि टू तेल ये भि टू के गुणी 100 × 8/9 800/9 जेहेतु वॉल्यूमटा आम क्यूबिक सेंटीमीटर अच्छी तो ये जो आंसरटा भी बाहर ये क्यूबिक सेंटीमीटर रे बाहर है कौन बाहर क्यूबिक सेंटीमीटर रे बाहर जदि यटा को पॉइंट तुम कर चाहिए ये तुम हो 88.9 क्यूबिक सेंटीमीटर तेल जापरलानी कमी सल्व होगा जब पॉइंट बाहर करेंगे 88.9 क्यूबिक सेंटीमीटर हे तो आपको कौन करा पड़ो ए फर्मूला मन रखा पड़ो कंबाइंड गैस इक्वेशन न फर्मूला मन रखा पड़ो है आप इजिली पुट करदे आपर आंसर पाइज तो मुझे ये पी ओन टी ओन वैल्यू कहीं पुट कले जापारे कि नहीं कारण ये कटिज बोथ साइड तो ये आम कंबाइंड गैस इक्वेशन सरगला बर्तमान आम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से पढ़ा है यू नोट कर दि
ताले एबे हम स्टार्ट करिवा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अपन हेडिंग कर दियंदु डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हला डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो ये जोड़ा लिखाई है साइडेड हम कह भी टिके परे फास्ट आपण आगे लॉटा देखि दियंतु कोन कहूची तले डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ये एप्लीकेबल हुए कहा क्षेत्र रे नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्षेत्र रे हला नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो आपण डेफिनेशन लिखंतु फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज द सम ऑफ इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर हेला फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बा जोडा को हमें कहि परिवा इंडिविजुअल प्रेशर बोली मध्ये हमें कहि परिवा हला तो एटी गोटे जिनस मन रख डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल हुए कहा क्षेत्र रे नॉन रिएक्टिंग गैसेस क्षेत्र रे माने जो माने परस्पर सह कोन करिवे रिएक्शन करिवे नाही रिएक्शन करिवे नाही तो वर्तमान एटी गैस जे एटी मु कोन लिखि छी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर नॉट वैलिड फॉर एमानम केस रे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वैलिड होबनी काहे कि वैलिड होबनी कारण CO2 मिसि कि ये CO2 बने देबे ये तुमर NaOCl2 बने देला ये तुमर COCl2 बने दबो ये तुमर एठी NH4Cl हला तो एठी से ये सेमती तुमर कोन बने दबो HF बने दबो ये सेमती HCl बने देबे हला तो ए भलिया कोन हे परस्पर स ए माने रिएक्शन कर दिबे हला ए माने परस्पर स रिएक्शन कर दिबे एठी जेमती हम कहबा ये तुमर NCl3 बने दबो NCl3 बने दबो हाइड्रोजन गैस बाहर को बाहर जीवो तापर यदि हमें आरोटा कहिबा ये सेमती तुमर SOCl2 बोले SO2Cl2 एमती किछ बने दबो तापर इ जो तुमर NaOH2 रहला से तुमर एटी NaO2 फॉर्म कर दबो त ए माने परस्पर रिएक्शन कर जिवे ए सब गैस रो परस्पर स कोन करबे रिएक्शन कर जिवे तो जोडा परस्पर स रिएक्शन कर जिवे से माने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्षेत्र रे वैलिड हेबे नाही कारण ओइ लिखा हिच ना फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो माने परस्पर स रिएक्शन करिवे तांको क्षेत्र रे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल हेबो नाही बुझि पालो कि नाही एडा नोट करिवो कारण ए माने जेतु परस्पर स रिएक्शन करि आउचंती ताले ए केस रे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल होबनी नॉट वैलिड एटा मन रखिबो डायरेक्ट क्वेश्चन एटु पड़ी जाउची बुझि पालो कि नाही हला तो एबे आसाम लॉ को पुणी तले डी कोजी फॉर ए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर द टोटल प्रेशर एक्जर्टेड इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर बाय इंडिविजुअल प्रेशर तले एठी जोटा को हम लिखि परिया मोटा मोटी हम कोन लिखि परिया डेफिनेशन को शॉर्ट करिके जे टोटल प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ए कि नाही तले जोड़ा को लिख परबे टोटल प्रेशर माने करो टोटल प्रेशर को माने करो मुनी गली पी टी तले सम ऑफ पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी पी सी पी डी एंती कंटिन्यू हे चलियो जानियो छि कि नहीं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी बुझियो छि ना नहीं हेलो तापर नेक्स्ट है कंसीडर वीडियो को पॉज कर कर नोट कर कर चलो हला कंसीडर गैसियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस हला कंसीडर गैसियस मिक्सचर ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो एटी मु लिखु छी
ये हला हमर धर गैस ए एड लिखुच मु गैस बी हला गैस ए गैस बी तो गैस ए केस रे मु नंबर ऑफ मोल्स नोच एन ए गैस बी केस रे नंबर ऑफ मोल्स नोच एन बी गैस ए केस प्रेशर पी ए एठी नोच पी बी वॉल्यूम एठी एठी दीटा केस रे समान रखुच टेंपरेचर एठी बी टी हला तले आपण एतिक जाय के नोट करंतु तापर एठी डिराइव होबो बहुत ही इंपोर्टेंट फार्मूला ये डिराइव होबो जोडा न्यूमेरिकल पई आपणकर न्यूमेरिकल प्रपोज रे एटा बहुत ही इंपोर्टेंट रहै छी तो आपण के एतिक नोट करंतु तापर म आपनको आगु कहबेला एतिक भल से नोट करंतु एटा मन रखिबे एटा मन रखियो पडिबो म आपनको लास्ट रे क्वेश्चन भी देबी आपण देखिबे कोबले डायरेक्ट क्वेश्चन एटा पडु छी तले डाल्टनस लॉ पार्शियल प्रेशर एई मन केस रे वैलिड होउ नाही एप्लीकेबल होबो नाही जो माने परस्पर से रिएक्शन करि जिबे जेमति H2F2 मिसि के एटी तुमर HF फॉर्मेशन करि देला तो जो भी परस्पर से रिएक्शन हो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल हम ना ये केवल एप्लीकेबल हुए नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर केस रे बुझेगा कि नहीं एति नोट करो तापर आगु आम करवा तले से नोट कलना तो ये आगु बढ़िया तो ये लिखु अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आम कौन जानते पी भी इक्वल टू एनआरटी किंतु मुँह पूर्व गैस बी पर अलग अलग सब नहीं मुझे जो पी भी इक्वल टू एनआरटी आम जो कौन लिखती पी भी इक्वल टू एनआरटी तो या बदलने अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैस ए आम कौन नवा यहाँ पी जगह नवा पी ए भी इक्वल टू एन आर टी जगह कौन नवा टी जगह कौन ना सरी टीटा आमर थिला टीटा को आम सेम टी नहीं भि को भी नहीं जो एन को चेंज करते आम एन ए एन ए गैस ए पाई नहीं पी ए एन ए भि टी गैस बी पाई नहीं पी बी एन बी भि टी एन ए या को देदेव तुम इक्वेशन वन सिमिलरली फॉर गैस बी एटा कौन हो बी बस पी बी भि इक्वल टू एन बी आर टी ये वाला तुम इक्वेशन टू इक्वेशन वन इक्वेशन टू बर्तमान दुटा इक्वेशन आड करो आड इक्वेशन वन एंड टू दुटा इक्वेशन को आड कले तुम कौन हम पी ए भि प्लस पी बी भि एपट आड करो एन ए आर टी प्लस एन बी आर टी कौन कमन आस एपटू भि कमन पलैस पी ए प्लस पी बी इक्वाल टू ये तुम एन ए प्लस एन बी आर टी कमन पल आसो एन आपको नहीं जाओ इक्वेशन थ्री ये गल तुम इक्वेशन थ्री बर्तमान आम कौन करवा डिवाइड इक्वेशन वन बाय थ्री वन को तीन द्वारा भाग करवा तले ये कौन है आमर कौन है वन अच्छे के पी ए भि बै एल एच एस एल एच एस डिवाइड कर आर एच एस आर एच एस पी ए भि बै एटा भि इंटु पी ए प्लस पी बी इक्वल टू एपट कौन अच्छी एन ए आर टी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी आर टी देख कौन कटुच भि को भि कटला आर टी कटला दैट इम्प्लाइज पी ए बाय पी ए प्लस पी बी इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी ए हूँ कि नहीं ये हमारा ना बर्तमान यटा को लिख पारि यटा को सैड्रु तल तुम तलू तलू लिख मुझे सैड लिखुच या को लिख पारि मु पी ए बाय पी टी टी कहीं लिखिली कारण आपको स्टार्टिंग रे मु पढ़ेगी जे कौन आपर टोटल प्रेशर टा कौन हो सम पार्शियल प्रेशर जोटा पी ए प्लस पी बी जदि आउ गोटे था पी सी एमती है या बदल डायरेक्ट मुझे पी टी लिखिद मानी कौन मोर टोटल प्रेशर इक्वल टू तापर तुम्हें देखु एन ए बै एन ए प्लस एन बी एटा कौन तुम मन पड़ू ना बेसिक कनसेप्टर लास्ट पार्ट्रे पढ़े कौन कही मोल फ्राक्शन कही ना मोल फ्राक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौन है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रो बाहर करते हैं ताले ऊपर था मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन पढ़ी बेसिक कांसेप्ट जो मन देखी ना लास्ट पार्ट बहुत इंपोर्टेंट पार्ट भले से देखी देते हैं तो देखो ये कौन लिखी ताले एटा मोर कौन एटा है मोल फ्रैक्शन एला मोर कौन मोल फ्रैक्शन कहार ऑफ ए ऊपर जोटा अच्छे तार ही मोल फ्रैक्शन। ताले वर्तमान पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पीटी माने कौन मोर टोटल टोटल प्रेशर पीटी कौन टोटल प्रेशर बुझिपाल कि ना नोट करी यू न्यूमेरिकल काम आसो है से भाया मुझे लिखिपरि यहीटा मुझे बाहरी कली जमी पी ए रही कली मुझे सिमिलरली लिखिपरि सिमिलरली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एटा मोर हो कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू कौन टोटल प्रेशर इंटु मोर कौन हो टोटल प्रेशर जानी कि ना इंटु कौन हो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटु टोटल प्रेशर बुझे ना ना है ये कौटा कौन कौन आम देख ये गोटे जिस देख पी टी मुझे लिख दूसरी होयार पी ए है कौन तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी बी कौन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी टी कौन है टोटल प्रेशर तापर तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कौटा एटा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी ये कौन तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ कहार ए र मोल फ्रैक्शन ऑफ ए र एन ए बाय एन ए प्लस एन बी एन कौन नंबर ऑफ मोल्स सिमिलरली एन बी बाई एन ए प्लस एन बी सी तुम कौन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से तुम बाहरी कल मुझे पी ए रही बाहरी कली आपड़ी मुझे कौन कल देख डिवाइड इक्वेशन वन बाय थ्री वन थ्री को डिवाइड करी मुझे पी ए वैल्यू पाइली वन थ्री को डिवाइड करी मुझे पी ए वैल्यू पाइली तो सेमती जदि तुम्हें डिवाइड इक्वेशन टू बाय थ्री दुई को जदि तीन तुम्हें डिवाइड कर दुई को तीन जो डिवाइड कर था तुम्हें सेठ कौन पाई था पी बी वैल्यू पाई था तो सेठ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तुम एन बी बाय एन ए प्लस एन बी था जोटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या नहीं बुझिपाल तो ये गोटे जिनस तुम्हें मन रखो सीटा मुझे मोल फ्रैक्शन में पढ़े थी तुमको एवं आप मन अच्छे कि नहीं मुझे जानी ना से देखीदेवि टी भल से है तो ये कौन हुए आमर जे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कौन हुए सब कौन हुए वन हुए सब कौन हुए वन हुए देखा हो कटी हो सैड कर लिखिद इक्वल टू वन है इक्वल टू वन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑलवेज कौन हम वन हेला तो ये भलसे नोट करेंगे तो आमर आपको बेस करके न्यूमेरिकल आसो मुझे देखेबी न्यूमेरिकल केमती आसू एति आगे भलसे नोट कर दियो जदि आप चाहिए भी यहाँ मुझे पी सिमिलरली करी डायरेक्ट लिखिदेली आपड़ चाहिए जदि यहाँ बाहरी कर सारापर लिखे डिवाइड इक्वेशन टू बाय थ्री ए भाया सल्व करके आपड़ी पी बी रैल्यू बाहरी करेंगे तो भितर कौटा कौन मुझे सब लिखिदेली है भलसे नोट कर एवं न्यूमेरिकल आपको देखेबी कौ भाया आसू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बहुत इंपोर्टेंट है भलसे बुझाक चेस्टा कर नोट कर दिखाँ फास्ट ये चलो अभी क्वेश्चन किसी अच्छे करवा देख क्वेश्चन लिखी फास्ट क्वेश्चन अच्छे डाल्टन्स लॉ ऑफ देखो मुझे शॉर्ट लिखी डीएलपीपी यहाँ कौन डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज नॉट वैलिड फॉर चार्टा ऑप्शन देखिए कौ केस वैलिड हम ना तो जो केस दीटा अंग कौन हे परस्पर मिसीजे जोटी दीटा अंग परस्पर मिसीजे तो से केस रे से वैलिड हेनी कारण डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर केवल वैलिड नॉन रिएक्टिंग गैसेस तो जोटी परस्पर सब मिसीबे ना से केस रे वैलिड हम ये जिनसा बुझे यार आंसर मुझे करूँ नहीं कमेंट सेक्शन में मतलब कमेंट करके जनइबे है पूर्व कहली सेकेंड क्वेश्चन कहे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज वैलिड एट रूम टेम्परेचर तो वैलिड कौ केस रे हम जो केस रे कौन एवं मिक्सचर गुड़ा परस्पर सह न मिसीबे
न मिसे से ही केस भैलीड मिसी गले भैलीड हम ना तो तुम्हें देखुच ये एच सी एल एन एच थ्री ये एन एच फोर सी एल फर्मेसन करदेव ये एसओ टू सी एल टू फर्मेसन करदेव ये सीओ टू फर्मेसन करदेव किंतु ये जो ऑप्शन सी अच्छी हाइड्रोजन हिलियम सह के मिसब ना कारण हिलियम तुम्हें जान कौन गोटे नोबेल गैस रिएक्शन में भाग नि ताले ये तुम राइट आंसर ऑप्शन सी हिज डाल्टन्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज वैलिड एट रूम टेम्परेचर इन एच टू प्लस एच ई है कारण ए केस परस्पर सह मिसे ना है बुझीपाल कि ना यार आंसर से फास्ट क्वेश्चन आंसर मतलब कमेंट कर जन आंसर कहने बहुत सिंपल है तो ये आउ गोटे न्यूमेरिकल भी अच्छे से करदे तो आप ये नोट करतापुर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देख आप स्क्रीन में देखिपे क्वेश्चन टा से कहूँ फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस व्हेन 4 ग्राम ऑफ एच टू एंड 44 ग्राम ऑफ सीओ टू आर मिक्सड इन ए कंटेनर आट 10 एटीएम टोटल प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस पचार ये कौ गैस अच्छे मोर हाइड्रोजन अच्छी आ गए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी तो पार्शियल प्रेशर बाहर करवा तो देख आगे ये आंसर करा नोट कर दियो तेल जदि पार्शियल प्रेशर मुझे बाहरी करी पार्शियल प्रेशर फास्ट जदि हाइड्रोजन बाहरी करी फॉर्मूला कौन आपची मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ता सहित मोर कौन हम टोटल प्रेशर ये कि नहीं ए बाहर कि नहीं एबे कहली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाहरी कली कौन बाहर ला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर एयर ना तो ये मोर दरकार आगे कौन मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन दरकार ताले ही जाएगी मुझे बाहरी करपरि बुझिपाले कि नहीं हेला एति जापारे तेल मोल फ्राक्शन बाहर केमी देख मुझे पढ़ेली टी पूर्व जे मोल फ्राक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एयर ना हेला तो सिमिलरली जब मोल जब बाहरी करी मोल फ्राक्शन ऑफ एच टू मोल फ्राक्शन ऑफ एच टू बाहरी करी तेल ये मतलब बाहर करने नंबर ऑफ मोल्स कह बाहर कर पड़ो एच टू रई नंबर ऑफ मोल्स एच टू प्लस ए बी जगह किए बी जगह किए आम जो सेकेंड गैस अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मतलब मिले मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन बाहर करी ये पुट कर पारि बुझिपारे कि नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स बाहर करवा नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन एन एच टू मैंने कौन नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन केमी बाहर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट कह दियो ये मास के गिवन अच्छी हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देख लिखाई तेल ये गला 4 बाय हाइड्रोजन तुम जान हाइड्रोजन मास है एक टू जेहतु टू अच्छी दुई के दुई है मॉलिक्यूलर वेट गला 2 4 रे 2 कटले केते हबो 2 तले नंबर ऑफ मोल्स केते बाहरी गला हमरो 2 मोल्स केते बाहरी गला 2 मोल्स है सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करी के कार्बन डाइऑक्साइड आमर गिवन मास के 44 ग्राम 44 बाय फॉर्मूला केमी नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय टोटल मास सॉरी गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास बा मॉलिक्यूलर वेट जहाँ भी कह सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के 12 ऑक्सीजन 16 किंतु ये ओ टू अच्छे मैंने 16 32 32 12 44 कटिज कतला वन मोल ये सब जिन पढ़े अलरेडी है से डिटेल सूत्र पत्र लिखिक कहूनी है ये बाहरी गला तेल ये जब पुट करी मुझ मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाहरी करने मोर के देख नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के 2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोर ये के बाहरी गला मोल फ्रैक्शन 2 बाय 2 1 3 तुम्हें देख गोटे जिनस लिखी आर मिक्सड इन ए कंटेनर एट 10 एटीएम टोटल प्रेशर ये मुझे 10 एटीएम देदेगी मोर के 20/3 20/3 ये कौन प्रेशर पचार प्रेशर हाइड्रोजन मैंने तार यूनिट कौन आसो एटीएम बाहरी गला कि नहीं मोर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बुझिपाल है सी कि मतलब क्वेश्चन पचार फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस मुझे हाइड्रोजन सीना बाहरी कली मत कार्बन डाइऑक्साइड भी दरकार पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला केमती मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू टोटल प्रेशर तले मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी करवा
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ସେଠି କହିଥିଲି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବି ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବି କେମିତି ବାହାରିବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ବି ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ବି ସିମିଲାର୍ଲି ଯଦି ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଓ ଟୁ ବାହାରି କରିବି ତାହେଲେ ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିଓ ଟୁ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଜାଗାରେ କିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ସିଓ ଟୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଜାଣିପାରିଲ ପୁଟ୍ କରିଦେବା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋଲ୍ସ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ କେତେ ବାହାରି କରିଛି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ତଳଟା ତ ଏଠି ଯାହା ଏଠି ସେଇଆ କେତେ ଦୁଇ ପ୍ଲସ୍ ଏକ ତିନି ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ମୋଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଓ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରେସର କେତେ ଦଶ କେତେ ହେଇଗଲା ଦଶ ବାଇ ତିନି ATM ବୁଝିଗଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲ ଏଇଟାକୁ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତାହେଲେ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ବାହାରିଗଲା 20/3 ATM ପାର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାହାରିଗଲା 10/3 ATM ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କେମିତି ହେଲା ହେଲା ତ ପୁରା ଡାଲଟନ୍ସ ଲ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଡାଲଟନ୍ସ ଲ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ୱାର୍କ କରିବ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ ଓନ୍ଲି ନନ୍ ରିଆକ୍ଟିଂ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ା ପରସ୍ପର ସହ ନ ମିଶିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛିଟା ଯେଉଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା କାହା ସହ ମିଶିପାରୁଛି କେଉଁଟା ନ ମିଶିପାରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି H2+Cl2 ଆପଣ ଦେଖିକି କହିଦେବେ ଏଠୁ HCl ବାହାରିବ ତା'ମାନେ ଇଏ ଡାଲଟନ୍ସ ଲ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବନି କାରଣ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯିବେ ସେଠି ଆମର କିଛି ବି କ'ଣ ହେବ ସେଠି ଆମର ମିଶିଗଲା ମାନେ ସେଠି ଆମର ଡାଲଟନ୍ସ ଲ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ବି କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଡାଲଟନ୍ ଲ ପାର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରେସର୍ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ହେବନି ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତିନି କି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କୋଚିଂ ରହିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବି କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ କହିପାରିବି କେମିଷ୍ଟ୍ର ସିଲାବସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରିକି ଦେବି ୱିଥ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କିଛି ବି ଓରି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ବଳେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ସେଠୁ ବି କିଛିଟା ଚାପ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ହେଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଥିବି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ ଯଦି ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ TGT ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ SSB TGTର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ହେଲା ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି କହିବେନି ହେଲା ଭଲସେ ଆକୁ ପଢ଼ିବେ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ପାର୍ଟ 3 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି।